नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों के स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये रीडिंग आप 27 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक आप इसे देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता है, हो सकता है करंटली बहुत ज़्यादा इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ चीज़ों को अपने दिल से लगा के रखा था बंदा या बंदी ने कि आपने ये कहा वो कहा, लेकिन आपको ये शायद पता नहीं, ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इन्हेंस कर रहा था। अब जो भी कर रहा था ये, हो सकता है अगर आप इनके साथ पारिवारिक रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, तो ये आपके लिए अपने परिवार के लिए पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, इन चीज़ों को करने के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से ये हर चीज़ में अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, कंट्रोल इशू कर रहा था। जो लोग शादीशुदा है एक दूसरे के साथ उनके लिए, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं इन फ्यूचर शादी करेंगे उनके लिए भी ये बात लागू होता है कि ये पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, पैसे कहीं इन्वेस्ट करना, वहाँ से पैसे की रिटर्न आना, इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था, जिसकी वजह से ये करंटली ऐसा सोच रहा है, जिसकी वजह से ये अपना इमोशन हाइड कर रहा है, क्योंकि उनको फ्यूचर दिख रहा है, फ्यूचर में क्या करेंगे इस बात के बारे में ये सोच के अपनी प्रेजेंट को ये मजबूत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, खुद को रोक रखा है, इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इनका जो मोटो है वो है द सन। ये पूरी तरीके से एक विक्ट्री चाहते हैं रिश्ते में। अगर आपके साथ इनका परिवार है, आपकी बच्चों की माता या पिता है, तो आपको पता है बच्चों की वजह से ये रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना, घर खरीदना, आप लोगों के लिए सिक्योरिटी, जो इन फ्यूचर आप लोगों को कोई परेशानी ना दे, इन चीज़ों को ये सोच रहा है। या तो लियो आप खुद कर सकते हो क्योंकि आप ही का रीडिंग है और आप ही का कार्ड आया है, या फिर आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, कार्ड उनके तरफ से आए हैं तो मैं उनके तरफ से ही पढ़ रही हूँ। ये इनकी करेंट एनर्जी है कि ये फ्यूचर को देख रहे हैं, इसीलिए प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा उतावले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन को ये दिखा नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आप इनका नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि ये धीरे धीरे
स्टेबिलिटी की तरफ जाने के बारे में करंटली सोच रहा है। किसी भी तरीके का रिश्ता हो, खास करके अगर आपके साथ ये बंदा या बंदी शादीशुदा है तो ये पूरी तरीके से रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं है तो भी अगर इनके खुद के फैमिली हैं, आपके साथ लव रिलेशन में है, तो भी ये फैमिली को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहा है। अगर आपके साथ शादी करके फैमिली बनाने के बारे में सोच रहा है तो भी ये बंदा इन फ्यूचर के बारे में ऐसा सोच रहा है, बंदा या बंदी। अभी हम देखेंगे लियो आप खुद क्या सोच रहे हो, मतलब आपकी खुद की करेंट फीलिंग्स क्या है। लियो, देखेंगे लियो आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। फाइव ऑफ कप्स देख लेते हैं, फाइव ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। फाइव ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। फाइव ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द एम्प्रेस, टेन ऑफ पेंटिकल एंड हाई प्रेस्टेस के साथ। ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हाई एनर्जी में अभी आप हो लियो। मुझे लगता है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट हो गए हो, आपको सब कुछ पता चल जाता है, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या करना चाहते हैं, क्या करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है इन्होंने कभी आपको डिच किया था, या फिर आपने जो भी स्थिति है, हर स्थिति में रिश्ते को सही करने के बारे में आप सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो खुद को, आप अपना ख्याल रख रहे हो, अपने परिवार का ख्याल रख रहे हो, कुछ ना हो आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में आप भी सोच रहे हो। आपको ये लगता है कि इन्होंने आपको जो देना था वो नहीं दे रहा है, आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो इस वजह से आप खुद का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखने में बिजी हो। खास करके स्टेबिलिटी, पारिवारिक स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, हर चीज़ पर आपका ध्यान है और आप स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी के तरफ जाने के बारे में भी आप सोच रहे हो। करंट एनर्जी आपका ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे आप चाहते क्या हो। टू ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे लगता है आपके पर्सन के पास आपके अलावा भी उनके पास कोई और रिश्ता है, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी,
मुझे लगता है इनके पास आपके अलावा भी कोई रिश्ता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चाहते तो हैं डिसीजन लेना लेकिन ले नहीं पा रहे, ये बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव होने की वजह से बंदा परेशान हुआ जा रहा है। जैसे कि इनको अपनी फैमिली की ख्याल है, लेकिन अगर मैं देख रही हूँ कि ये चाहते क्या हैं, ये इंतज़ार कर रहा है कोई डिसीजन लेने का, या फिर आपके तरफ से कोई डिसीजन उनके तरफ आए, कुछ अच्छी चीज़ें हो, लेकिन हो नहीं रहा है। जो उनको मिल रहा है ये उससे खुश नहीं है, जो नहीं है उसके लिए सोच रहा है। दोनों चीज़ों को रखना है, आपके साथ भी रिश्ता लियो या फिर लियो, अगर आप इनके साथ मैरिड रिलेशन में हो तो आपको भी रखना चाहते हैं, उनके पास और भी रिश्ते हैं उनको भी रखना चाहते हैं, जिस वजह से बंदा या बंदी परेशान रहेंगे और इनडिसाइसिव रहेंगे, क्योंकि वो किसी भी रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। वो इतना सोच रहे कि अपने परिवार की स्टेबिलिटी उनको चाहिए, वो परिवार को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ किसी भी रिश्ते को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके पास जो भी रिश्ता है, जिसकी वजह से ये इनडिसाइसिव है बंदा। बॉटम ऑफ द डेक में हाई द एम्परर का कार्ड है, इनको अभी अपने तरीके से रिश्ते चलाना, रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना, इन चीज़ों के बारे में अभी ये सोचने लगे हैं, और ये चाहकर भी कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं रिश्ते में, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है। एक तो इनके पास अगर आपके अलावा भी इनके परिवार हैं तो ये पारिवारिक रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, दूसरा आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये किसी भी तरीके से दोनों रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पाएंगे और यही इनकी कोशिश रहेगी। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो, लियो। एम्परर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में भी आया था, अभी भी आया है। लियो, मुझे जो लगता है, क्योंकि सारे मेजर अर्कना के कार्ड आए हैं और बहुत हाई एनर्जी वाला कार्ड, आप अपने स्टेबिलिटी पर तो ध्यान दे ही रहे हो। लियो, हो सकता है आपके पास भी अपना परिवार है, आप अपने परिवार के बारे में भी सोच रहे हो। देख लेते हैं आप चाहते क्या हो। कहीं ना कहीं आप भी ये चाहते हो कि आपके तरफ जो भी फैसला ये बंदा या बंदी ले रहे हैं वो फैसला आपके तरफ हो, आप के जैसे हो। देख लेते हैं द एम्परर का कार्ड क्यों आए हैं। आप तो दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि आप जो चाह रहे हो दिखाई दे रहा है वो आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी आपकी तलाश है, जिस चीज़ की आपकी उम्मीद है वो आपको नहीं मिल रहा है। आप एक तो ये चाहते हो कि रिश्ते में आप मेहनत करो और फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिले, आपको रिश्ते में क्लैरिटी की इंतज़ार है, आपकी रिश्ते में जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो आपको ये नहीं दे पा रहे हैं आपके पर्सन। आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे आप खुद शादीशुदा हो इस बंदे के साथ, चाहे आप लोग खुद का शादी है फिर भी इनके साथ रिश्ते में हो, किसी भी तरीके का रिश्ता अगर आप किसी पर्सन के, ऐसे पर्सन के साथ जुड़े हुए हो जिसके बारे में अभी मैं बता रही थी आपके पर्सन के बारे में, तो आप तो खुद ही डिससेटिस्फाइड हो, क्योंकि आप जो चाहते हो पूरी तरीके से आपको वो नहीं मिल रहा है, ना ये बंदा आपको दे पा रहा है, तो आपकी जो एनर्जी रहेगी ना वो इंतज़ार की रहेगी कि कब मुझे मेरे जो अधिकार है वो मिलेंगे, कब मुझे क्लैरिटी मिलेगी, कब मुझे रिश्ते में दोस्ती मिलेगी, क्योंकि अभी आप और कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे लगता है आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, कॉम्प्रोमाइज़ किए, और आप लियो हो, आपका खुद का एक रुतबा है, एक पहचान है, तो आप ये नहीं चाहोगे कि किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके रिश्ता आगे बढ़े। हो सकता है आप दोनों एक ही जगह काम करते हो, वर्क प्लेस में कोई रिश्ता आपके साथ किसी का बना है, तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी
आपको भी अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको इन दिनों करना पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि सन का ट्रांजिशन हुआ है, तो वो लियो में आया है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ रहा है। जो काम आप 2 दिन में कर सकते थे वो आपको खींच के ले जा रहा है, काम के प्रेशर बढ़ रहा है, तो उस तरीके से आप मेहनत में भी अपना जो दिशा है उसको रख रहे हो। साथ ही साथ पैसे की कमाई की जो चिंताएं हैं वो भी कर रहे हो, रिश्ते में भी प्रॉब्लम है, तो सब मिला के आप भी एक तरीके से मतलब डिसीशन नहीं ले पा रहे हो, इसलिए आप भी अड़े हुए हो अपने जगह कि जो भी होगा अब देखा जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी होगा वो जो भी डिसीजन लेंगे हम देखेंगे। जैसे ये इंतज़ार कर रहा है वैसे आप भी इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है आपने मेहनत दिया, वक्त दिया, अपना एफर्ट दिया, तो उसका तो फ्रूटफुलनेस कुछ तो मिलेगा आपको, उस चीज़ का आपको इंतज़ार रहेगा। हालांकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, लेकिन फिर भी आप इंतज़ार करोगे कि ये पर्सन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है। अभी हम देखेंगे आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या आता है, देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। मैजिशियन, मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कम्युनिकेशन आपको मिलेगा लियो या फिर आपके पर्सन को, जो भी स्थिति आप लोगों की रिश्ते में चल रहा है। कुछ लोगों को अगर नो कांटेक्ट का सिचुएशन झेलना पड़ रहा है तो कम्युनिकेशन आपको मिलेगी। दूसरी जो बात है, मैजिशियन का कार्ड आया है उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ सारे जो रिश्ते चल रहा है, 3 तरीके का रिश्ते, मैंने कहा कि आप एक दूसरे के साथ रिश्ते में हो, अभी तक शादी नहीं हुई है, शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ, और जो है रिश्ते में शादीशुदा भी हो लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के साथ दिल से जुड़े हुए हो, तो सारे रिश्ते में ये एक चीज़ खुल के आ रहा है कि रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इमोशन को हाइड करना, ये सब कुछ नहीं चलेगा, करना नहीं है। अगर करते हो तो रिश्ता खराब होगा, लेकिन अगर इन चीज़ों को छोड़ के अपनी अपनी जिद, अपनी अपनी प्रभाव, अपनी अपनी जो क्या बोले उसको हिम्मत, अपनी एक पावर, डिग्निटी, इन चीज़ों को रिश्ते में इस्तेमाल करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप इन चीज़ों को एक साइड में रख सकते हो, इक्वली देख सकते हो एक दूसरे को, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं, किसी की ज़्यादा पावर, किसी की कम पावर, ये सब नहीं, सिर्फ खुशी को अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, दोनों के दोनों, किसी भी तरीके का रिश्ता हो तो रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ सकता है, एक नया लव ऑफर आपको मिल सकता है आप ही के पर्सन की तरफ से। ऐसा नहीं कि कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, नो, पुराने जो बंदा या बंदी हैं, अगर आप दिमाग का इस्तेमाल ना करो, इमोशन को हाइट ना करो, तो ये पुराने जो रिश्ते हैं वो नए तरीके से बन सकता है, बशर्ते आपको इसमें माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये सब करना नहीं चाहिए, करना भी नहीं,
करते हो तो जो लव है वो नष्ट होगा, वो वक्त खराब होगा। इसलिए आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और रिश्ते में एक स्टेबल लव ऑफर आपको मिल सकता है। जो भी कर रहा है, अगर आप कर रहे हो लियो कि मुझे मेरे हिसाब से रिश्ते को चलाना है, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मत करें। और अगर आपके पर्सन कर रहा है तो उनको भी ये छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये रिश्ता एक स्टेबल स्थिति में आएगा और एक स्टेबल लव ऑफर आपको, आपके पर्सन को, दोनों को मिलेंगे। अगर आप रोक के रखे थे खुद को तो आप दोगे, अगर ये खुद को रोक के रखा था तो ये आपको देंगे। अगर माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों से रिश्ता मुक्त होता है तो। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखो, हम कितना भी कुछ सोच ले ना, जो सोचने वाला होता है वो है ऊपर वाला। उन्होंने क्या कहा, रोमांस आर नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्यार ढूंढ रहे हो ना, प्यार के लिए तो आप ये रीडिंग देख रहे हो, प्यार के लिए आप चिंतित हो, प्यार आपकी लाइफ में चाहिए तो आप रोमांस कीजिए। जिस प्यार को आप बार बार ढूंढ रहे हो, उसी प्यार में अगर आप अपनी डिग्निटी, अपनी हाई फाई क्वालिटीज़, अपनी पर्सनैलिटी, प्यार में वो सब कुछ देखा नहीं जाता है। प्यार में सिर्फ प्यार कीजिए और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हो सकता अभी आपके लिए स्टेबल नहीं हो, आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए आप चिंता कर रहे हो सकता है इन फ्यूचर में वो चीज़ सही हो जाए, तो अभी आपको सिर्फ प्यार करना चाहिए, प्यार के बारे में सोचना चाहिए और हर चीज़ में प्यार को ही देखिए और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है, उसमें कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन, झूठ, अपना रुतबा, अपना पोस्ट, अपना पोजीशन, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप रिश्ते में चल रहे थे उस तरीके से चलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।